आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत दाहोद केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक महोत्सव कार्यक्रम नु आयोजन करवामां आव्युं। समग्र भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव की उजवणी थई रही है त्यारे 5 सप्टेम्बर दिवसे शिक्षक दिवस की उजवणी करवामां आवती होय छे। विद्यार्थी जीवन में शिक्षक ने महत्वनी भूमिका होय छे। समाज में पायाना घड़तर में शिक्षक मुख्य फाड़ो होय छे त्यारे आ दिवसे आवा श्रेष्ठ शिक्षकों ने सम्मानित पण करवामां आवे छे। आवी ज रीते भारत सरकार द्वारा शिक्षक महोत्सव की उजवणी कार्यक्रम नक्की करवामां आव्यो छे, जेना भागरूपे दाहोदनी केन्द्रीय विद्यालय खाते तारीख 7 सप्टेम्बर थी 17 सप्टेम्बर सुधी 10 दिवस विविध कार्यक्रमों योजी शिक्षक महोत्सव की उजवणी करवामां आवशे। आजे केन्द्रीय विद्यालय खाते शिक्षण महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत करवामां आवी, जेमां भारतना वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए शिक्षक अने विद्यार्थियों मनोबल ने मजबूत करवा अने प्रोत्साहन आपवा माटे जीवन प्रसारण माध्यम थी विद्यार्थी शिक्षकों ने संबोधन कर्यु हतु, जेमा शाळाना विद्यार्थियों अने शिक्षकों प्रधानमंत्री संबोधन सांभळ्यु हतु। नई मुंडा ZSTV दाहोद। आज का जो प्रधानमंत्री जी का शिक्षक पर्व का जो कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम निश्चित ही समाज में शिक्षकों को एक सम्मानित स्थान दिलाने में मददगार है। अभी तक ये होता था कि शिक्षकों को समाज में वो सम्मान नहीं मिल पाता था जो वाकई में उसको मिलना चाहिए, और आमतौर पर बस एक शिक्षक दिवस का दिन जो है वह शिक्षकों को सम्मानित करके उसकी पिछड़ी कर ली जाती थी। लेकिन आज का ये जो प्रोग्राम बच्चों ने और हम सभी ने देखा है, तो हमें लगा है कि वाकई में प्रधानमंत्री जी ने इस दिशा में बहुत प्रयास किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि समाज को एक नई दिशा देने में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने नई शिक्षा नीति और जो निष्ठा कार्यक्रम है शिक्षकों की विशेष प्रशिक्षण के लिए, जिससे कि उन्हें ये पता चलेगा कि नई शिक्षा नीति को किस तरह से प्रयोग में लाना है और बच्चों को एक जो प्राचीन परंपरा शिक्षा की हमारी चली आ रही थी उससे थोड़ा सा अलग हटके किस तरह से शिक्षित करना है, अपनी शिक्षा में कला का किस तरह से उपयोग करना है, विभिन्न विषयों को किस तरह से आपस में जोड़ना है और किस तरह से सबको साथ में लेकर सबका विकास करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो मुझे लगता है कि आज का ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम जो नई शिक्षा नीति के उद्देश्य, समाज में शिक्षकों का स्थान, इन सबको लागू करने में, इन सबका व्यवहार में प्रयोग में लाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। और ये अभी शिक्षक पर्व जो है वह 17 सितंबर तक चलेगा